हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास सेवेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही बेल आइकन दबा लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जैसा कि आपको दिख रहा है कि वेदर के बारे में इसमें हमें जानकारी लेनी है और क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेनी है। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन? व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर द प्लानिंग ए फैमिली फंक्शंस? तो आपने कई बार इस पूरे पैराग्राफ में वेदर के बारे में बताया गया कि कैसे वेदर के बारे में प्रडिक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आप जब देखते थे कि मौसम ख़राब हो रहा होता था तो अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स जो हैं वो अम्ब्रेला लेके जाने के लिए कहते थे, या आपने अपने घर में भी बड़े लोगों को जब कोई फैमिली फंक्शन हो रहा होता था तो उस पर वेदर के बारे में चर्चा करने के लिए सुनते थे, है ना। तो इसका मतलब वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आपकी राजनीति पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे फिर कोई भी प्रोग्राम हो, सब में वेदर रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इवनली वेदर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। चलिए जानते हैं वेदर क्या होता है। वेदर 7.1, सैम्पल ऑफ ए वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवेन। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। तो आप लोग देखते होंगे कि कई न्यूज़पेपर्स में और वेदर रिपोर्ट आती है वो इस फॉर्मेट में होती है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, सनसेट कितने बजे हुआ, सनराइज़ कितने बजे हुआ, है ना। तो इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, आप लोग अपने न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं जो भी आपके आसपास आता है, और इससे आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं कि हाँ कितना टेम्परेचर मैक्सिमम था, कितना मिनिमम था। ओके, तो अ सैम्पल ऑफ ए वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। ओके, चलिए अब एक देखिए इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसमें निकल करके आ रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट करके ज़रूर लिख लिया करिए कॉपी में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जब आप और आगे के फ्यूचर प्लान को देखते हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस आपको एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं लेकिन हम इनको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इनको नोट करके लिखेंगे, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाई द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स अ वेदर प्रिडिक्शन। ओके, तो अपने इंडियन गवर्नमेंट में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ओके, तो जो आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या रेडियो चैनल्स के थ्रू जो प्रेडिक्शन बताई जाती है कि इतने तारीख से मानसून आने की संभावना है, इतने तारीख से वर्षा होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो वो सब कहाँ से, किसके द्वारा जारी होता है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी होता है इन इंडियन गवर्नमेंट। ओके, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं लगभग सभी के घर आते हैं, अगर आपके घर पर नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से ले सकते हैं या अपने दोस्त के घर से मंगा सकते हैं, और उसमें से कम 10 दिन की, इसमें तो 1 वीक का कहा है लेकिन आप 10 डेज़ की कम से कम रिपोर्ट को कट कीजिए, और फिर उससे एक चार्ट पेपर बनाइए, ठीक है। इस तरीके का एक चार्ट पेपर आपका बन जाएगा जिसमें टेबल 7.1 को आपको फिल करना है, किस डेट में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल के बारे में क्या प्रेडिक्शन किया गया था। ओके, तो चलिए रेनफॉल के बारे में भी बता देते हैं कि क्या होता है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। किस इंस्ट्रूमेंट से रेनफॉल मेज़र किया जाता है, रेन गेज से किया जाता है। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ओके, चलिए, डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? नहीं, क्योंकि सेम तो आएगा ही नहीं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। ओके, ओवर अ वीक 3 मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन,
देयर मे बी कंसिडरेशन वेरिएबल द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। अब आपको वेदर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। ओके, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर जो है एक छोटे से प्लेस पर डिपेंड करता है और वो डे बाई डे या वीक वाइज वीक चेंज होता रहता है। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इट कैन हैपन समटाइम्स डैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली। ओके, तो ऐसा आपने देखा हो कई बार कि धूप निकल रही है और अचानक से बादल हो गए और फिर वर्षा होने लग गई। ठीक है, तो इसीलिए जो वेदर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, कठिन होता है। ए हैवी रेन मे वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। या अचानक से जो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी वो बंद हो गई और धूप निकलने लग गई है ना। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। ओके, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006। एक दिए गई है शिलोंग मेघालय की रिपोर्ट इस तरह से। ठीक है, जो नीचे हैं वो सब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेट्स हैं और उधर दिया गया टेम्परेचर। तो 3 अगस्त को 26 डिग्री टेम्परेचर था, फिर 23.5, फिर 25, तो पहले घटा फिर बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, क्या पढ़ा था आपने इन चैप्टर 4, दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। ओके, कैन यू गैस वैन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वैन द मिनिमम? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के समय पर, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। यानी सुबह सुबह के समय पर दिन का मिनिमम टेम्परेचर होता है जनरली, और आफ्टरनून दोपहर के समय पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड द कंपेरेटिवली कम्फर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो आप लोग देखते होंगे कि जो गर्मियाँ होती हैं, समर जो होती हैं वैकेशंस में, आप देखते होंगे कि सुबह सुबह तो आपको अच्छा लगता है लेकिन दोपहर में आते आते आप परेशान होने लग जाते हैं। चलिए आप देखिए, इसको भी आप लोग नोट करके लिखेंगे, जो भी ब्लू कलर में है इसको अपनी कॉपी में आप नोट करके लिखेंगे। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाई द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ओके, सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सरफेस ओशियन एंड एटमोसफेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। इफ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए प्लेस इन ए डेजर्ट और नियर ए माउंटेन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर सन की वजह से, सन की डिस्टेंस की वजह से ये सारे वेदर चेंज होते हैं। चलिए, वॉट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क ईयरली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इट समर? बिल्कुल सही बात है, विंटर में जो है वो डेज शॉर्टर हो जाते हैं कंपेरेबली टू समर। Try to find it over yourself by completing the project given at the end of the chapter. Okay, इसको हम find करेंगे, एक project last में दिया जाएगा उससे। चलिए, अब weather हमने समझ लिया, weather क्या है ये समझ में आ गया। Climate की बात करते हैं। Climate, meteorologists record the weather every day
द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. क्लियर ना? तो लगभग एक डिकेड, कम से कम 10 साल 20 साल तक के लिए जो वेदर का जो पैटर्न होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, क्लाइमेट बनाता है. क्या बनाता है? क्लाइमेट. यानी कि क्लाइमेट इज़ अ बिगर थिंग कंपेरेबल टू वेदर. इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. ओके, तो इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट टू प्लेसेज इन इंडिया. द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. द टू प्लेसेज आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. ओके, तो दो जगह की आपको ये दी है 7.2 7.3. दोनों टेबल आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको कंपेयर करना आ जाए कि अगर दो जगह का हमारे पास टेम्परेचर अगर होता है तो उसको मीन कैसे निकालेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे. ओके, चलिए. बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजीली सी द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला. वी कैन सी दैट द केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. इट इज़ हॉट एंड ड्राई. ओके, तो राजस्थान का कैसा हो गया क्लाइमेट? हॉट एंड ड्राई हो गया. केरला का कैसा हो गया? हॉट एंड वेट हो गया. ठीक है. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो गया? वेट हो गया. ओके, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस क्या मतलब है इस बात का? क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी पर इफेक्ट डालता है क्लाइमेट. एनिमल्स आर एडेप्टेड द सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी जगह पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, किसी किसी जगह पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को एडेप्टेबल बना लेते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. ठीक है. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Features and habits that help animals to adapt their surrounding are a result of the process of evolution. In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6, you have read about the adaptations of animals to certain habitats. ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनको तो रिकॉल नहीं हो पा रहा हो, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके क्लास सिक्स या क्लास सेवन्स की जो भी साइंस की लास्ट चैप्टर्स हैं, पिछले चैप्टर्स हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं. प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं. हैबिटेट्स एज एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशंस. वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is the North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. आपके लिए मैंने एक होमवर्क दे दिया कि जितना भी ये एरियाज दिए हुए थे इसको आप क्लासिफाई करेंगे कि नॉर्थ पोल के पास कौन कौन से हैं. अर्थ जो है वो इस तरह से राउंड शेप में है, ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है. तो इनमें से कौन कौन से पोल्स आप इंटरनेट की हेल्प से या ग्लोब की हेल्प से बताएंगे कौन से पोल नॉर्थ पोल के पास आते हैं और कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ पोल के पास आते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. दीज कंट्रीज़ के बारे में भी आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है वो कैसा दिखता है, करेंसी कैसी होती है और यहाँ की कैपिटल्स क्या है. ओके, एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड. मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू. सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड. देखिए आगे का काम आ ही गया. ओके, द पोलर रीजन्स.
द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. फॉर सिक्स मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर सिक्स मंथ द सन डज नॉट राइज. ओके, छः महीने तक दिन होता है, छः महीने तक रात ये यहीं से आता है, क्योंकि पोल्स पर छः महीने तक सिक्स मंथ तक सन सेट नहीं होता और फिर दूसरी जगह पर सन राइज नहीं होगा. ओके, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज माइनस के 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू देयर दीज सेवर कंडीशंस. ओके, लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. ठीक है ना, पोलर बियर के बारे में आपने सुना होगा, पेंगुइन्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वो कैसे रहते हैं, वो अपने आप को एडेप्टेड करते हैं. ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. देयर प्रीडेटर्स इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. ओके, द टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड. ठीक है ना, फिजिकली ये आपने मतलब क्या बताया कि जो नेचुरली उनके शरीर है, उनकी बॉडी है, उसके अंदर ये सारी थिंग्स आ जाती हैं कि उनके ऊपर तो वैसे भी डबल लेयर में फ़र होते हैं, और फर होने के बाद भी क्या होता है उसमें लेयर लगी होती है उनके अंदर स्किन में. ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो कभी भी ज़्यादा हीट भी नहीं कर सकते और ना ही इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम में नहीं आते हैं क्लाइमेट की वजह से. फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. इट इज़ अ गुड स्विमर. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. वी कैन अंडरस्टैंड, यहाँ प्रे का मतलब बेटा वो वाली प्रे नहीं है जो आप समझो, यहाँ प्रे का मतलब उनके फूड से है. कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3. ये फ्लो चार्ट भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से इस फ्लो चार्ट को बनाइएगा और ये फिगर भी बनाइएगा आप पेंगुइन्स के, जिससे कि आपको पता रहे कि पेंगुइन्स कैसी दिखती हैं. कभी आपको जाना पड़े तो आपको पेंगुइन्स पहचान में आ जाए. ओके ओके, तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, पेंगुइन के फिगर भी बनाइएगा और ये ज़रूर आप अपना जो फ्लो चार्ट है ये ज़रूर बनाना. ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब किस तरफ से पहले फिर किधर काम होता है, क्या काम होता है, ये सब. ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. पोलर बियर का ये बताया गया कि अडेप्टेशंस कैसे करता है वो. ठीक है, चलिए ये देखिए, बहुत अच्छे इसके पंजे भी बना करके दिखाए गए हैं किस तरीके से होते हैं. लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेव्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स. उनको क्या बनाते हैं, स्विमर्स बनाते हैं अच्छे. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेज, सील्स और आपका क्या है, व्हेल्स एंड बर्ड्स. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. दे माइग्रेट टू वार्मर. ये सारी चीज़ें वही हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद जो एनिमल्स हैं जितने भी टाइप के हैं वो सब के सब सर्वाइव कर पाते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, उनकी अडेप्टेशन शॉक कहलाती है. ठीक है, तो अपने यहाँ पर भी इंडिया की भी बात कर रहे हैं, दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स यू मस्ट हैव. तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से जब उड़ जाते हैं कई कई दिनों तक उड़ते रहते हैं, फिर एक स्थान को चेंज कर देते हैं, माइग्रेशन. ठीक है, स्थान को प्लेस को चेंज कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं. डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये फिर से आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, इसको ब्लू ब्लू पार्ट जो भी है. सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर
to escape the extreme climatic conditions at home. Generally, they fly high where the wind flow is helpful and the cold condition alone allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. But how these birds travel to the same place year after year is still a mystery. ये आपके भी दिमाग में आता होगा कि वो अपना घर छोड़ करके जाते हैं 15,000 किलोमीटर दूर तक, फिर वो वापस अपने घर पर कैसे आते हैं, उनको कैसे पता चलता होगा किस डायरेक्शन में हमारा घर है, है ना? तो ये एक मिस्ट्री है. इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स, मतलब आपको लगता है कि मिस्ट्री हो सकता है, लेकिन क्या है, इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ द डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल. सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क टू गाइड देम. मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाई द सन ड्यूरिंग द day and stars at night. There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction, and it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. Okay, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे. चलिए द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं. The tropical regions have generally a hot climate because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees centigrade. During hot summers, the temperatures may cross 40 degrees centigrade. Days and nights are almost equal in length. Throughout the year, these regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया. ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ओके, तो आपका जितना भी ये असम साइड वाला सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है वो सबका सब इसके लिए इसलिए पॉपुलर रहता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्नैक्स, लिजार्ड्स, लियोपार्ड्स वहाँ मिलते हैं. लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट. द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स. सिंस द नंबर आर लार्ज, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू हेल्प इट क्लिम टू ट्रीज ऑन विच इट लिव्स टू हेल्प देम लिव on the trees. Monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on the branches. तो ये आपको पता ही है बंदरों के बारे में, उन्होंने बताया किस तरीके से वहाँ पर इस तरह के बंदर पाए जाते हैं. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that the bird toucan, which possesses a long large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color which helps them to camouflage by the blending with the सराउंडिंग्स. वो अपने त्वचा का रंग भी, स्किन का कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे कि वो जिन पेड़ों पर रह रहे होते हैं वो उसी के जैसे दिखने लगते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं. दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो शिकार करने वाले हैं उनसे उनको बचा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिग कैट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग. द लॉयन टेल्ड मैकेक, ऑल्सो कॉल्ड द बियर्ड एप, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन. ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको वाइट वाइट कलर के फर से अलग से उसमें उसके चेहरे के आसपास लगे होते हैं. इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. इट ऑल्सो ईट्स सीड्स.
यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चिज फॉर द इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. Elephant भी इसका tropical rainforest का. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. सूंड कहते हैं. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. These can tear the bark of tree that elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephant helped it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. फैन की तरह से भी वो काम कर ले. तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो अपना काफ़ी सारा जो एडेप्टेशंस कंडीशंस हैं उनको थ्रू सर्वाइव करते हैं. तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. इसका आप लोग चैप्टर के लास्ट में जा करके और जो समरी है वो ज़रूर लिखिएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं. मैं प्रोजेक्ट की तरफ चल रहा हूँ. एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान आसान है, आप इनको कर सकते हैं. ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ के रूप में है. आपको डेट बाय डेट डालनी है जून की दिसंबर की और आपको इसको करना है. ये प्रोजेक्ट आपका होल ईयर के लिए, आपने पूरी क्लास में आपको ये करना है क्योंकि एक तरफ जून का डाटा आपको कलेक्ट करना है और एक तरफ दिसंबर का. ठीक है, तो दो महीने का डाटा यहाँ पेजेस आप छोड़ दीजिएगा अपनी कॉपी में जहाँ भी आप इस प्रोजेक्ट को करें पूरा और फिर इसको फिल कीजिएगा दिसंबर में भी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है. चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब एक स्लाइड्स पीपीटी की सहायता से आपको पढ़ाने के लिए. चलिए बच्चों, ये है आपके चैप्टर का सबसे पहली स्लाइड है. वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ. वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन क्या क्या, द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज, टाइप ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट एटसेट्रा. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एडप्टेड टू द सर्वाइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिट्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन. वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ. वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन क्या क्या चाहिए, द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, इसी चीज़ को बढ़ा करके दिखा दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एट ए प्लेस चेंजेस एवरी डे. समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी. Sometimes it is less warm, less humid, less cloudy or less windy. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. Meteorology. क्या है meteorology? Meteorological department of the government collects data on temperature, जैसा कि हमने पढ़ाया था. ठीक है, आपको इजीली दिख पा रहा होगा बस. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है. चलिए देखिए, ये इस तरीके से डे वाइज डेट वाइज कलेक्शन करके दिखाया है. देयर फॉर द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमोसफेयर इज चेंजिंग एवरी डे. देखिए इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां आपको ज़रूरत पड़े. टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ ये थोड़ा सा कट गया है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा. ठीक है, टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ सेल्सियस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी की परिभाषा दे दी है. ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ प्रसिपिटेशन. ठीक है, अब छेपड़ को दिखाता है. रेनफॉल के बारे में बता दिया है. ठीक है ना, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांस ऑफ रेन. ठीक है ना, रेनफॉल इज अ मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. रेन गेज इज ए बेसिकली अ मेजरमेंट. देखिए दिखा दिया है फोटोज का. ठीक है, अब है क्लाउडीनेस एंड विंड.
देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्लाउडिनेस के हैं, क्लाउडिनेस के फोटोज हैं। ये है प्रेसिपिटेशंस एंड विंड, ठीक है, प्रक्षेपण, प्रेसिपिटेशंस और ये इसके फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस। ओके, सबके वर्ड्स हिंदी में भी ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ऐसे देख लेते हैं। कहाँ पहुँच गए थे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना जी। ये आ गया आपका, ये एक्चुअली में कंप्यूटर पर बनाई है तो थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत कर रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्टेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव दैट सरफेस। फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, ठीक है। अगर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये गिर रहा है जल्दी तेजी से तो इसका मतलब क्या है, तूफान आने वाला है, इस बात को याद कर लीजिएगा। राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट ऑन क्लियर स्काई, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया। इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वाटर वेदर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर। सन इज ह्यूज स्फीयर ऑफ, वही सन का जो क्या रोल है वेदर को चेंज करने में ये बताया गया, आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। क्लाइमेट, जलवायु क्या होती है? क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्ग है बच्चे, इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये लॉग नहीं है, लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स और मोर, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो ये भी वही केरला और राजस्थान का दिखाया गया इसी तरीके से एग्जाम्पल लेकर के। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाता हूँ क्योंकि स्लाइड्स बहुत ली हैं मैंने इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है ये, ठीक है। ये भी देखिए इस तरीके से पोल, हमने जैसे कि बताया आपको ये होता है नॉर्थ पोल, नीचे इसके साउथ पोल होगा, ये इक्वेटर लाइन कहलाती है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये देखिए क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, ये दोनों जोन को लिया है, ये एल्पाइन जोन, ठीक है, फिर दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन और तीसरा है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन भी ट्रॉपिकल वेट जोन और ट्रॉपिकल ड्राई जोन, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये फिगर इधर से उधर हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, ये मैंने एक फिगर लगाया है इसमें तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। चलिए अल्पाइन जोन क्या है? अल्पाइन जोन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट हाई अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस, इट इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ये अल्पाइन जोन के अंतर्गत आता है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब किस में आते हैं आपके, ये आपके अल्पाइन जोन में ही आते हैं, ठीक। ये है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन आर द रीजन्स ऑफ द अर्थ बॉर्डरिंग ऑन द ट्रॉपिक्स जस्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जस्ट साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, उड़ीसा आ गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब के सब किस में आ गए, सब ट्रॉपिकल जोन में आ गए, ठीक है। इसी में काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। ट्रॉपिकल जोन कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन्स आर द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसका बीच का पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार, कर्नाटका, बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट सारा आ गया, ठीक है। एरिड जोन जो कि लास्ट जोन होती है, एरिड जोन इज ए करेक्टराइज्ड बाई हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान वाला रीजन आ गया, जो सूखे वाली ज़मीन होती है, ठीक है, यहाँ झाड़ियाँ उगती हैं। क्लाइमेट एंड द एडप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, कैसे कैसे करते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि आप नोट्स बना सकें, है ना, जो नोट्स आप इजीली बना सकते हैं वो इसको देख करके बना सकते हैं। कई सेंटेंस जो क्लियर नहीं दिख रहे हैं आपको तो उनको आप स्वयं पूरे कर सकते हैं। एडेप्टेशंस इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो बिहेवियरल और एडेप्टेशन और एक स्ट्रक्चर। तो एडेप्टेशन यूजुअली अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो बिहेवियरल। मूविंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ग्रुप मेंबर फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, बर्ड कॉल्स एंड माइग्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, ये देखिए बिलोनी बर्ड काफ़ी तरह तरह के दिए हैं। द पोलर रीजन्स, तो जो पोलर बियर हैं, पेंगुइन्स हैं, उन सबको दिखाया। फॉक्स भी होती हैं, ठीक है, पोलर बियर के बारे में है, देखो अच्छे से फोटो लिए। एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर, बहुत सारी स्लाइड्स लिए हैं, पेंगुइन्स, देखिए पेंगुइन्स के बहुत अच्छे से फिगर देख लीजिए किस तरह से होती हैं। ये बर्ड होती है पेंगुइन, लेकिन चलती है, इसके पैर होते हैं, मतलब चलने पैर तो और भी पक्षियों के होते हैं। एडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स, दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो, दे हैव थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, है ना। तो इस तरीके से वो बसती हैं, खुद ही कलर में वाइट होती हैं तो स्नो में पता ही नहीं चलता है। दे हडल टूगेदर टू कीप देम वर्म, एक साथ रहती हैं एक दूसरे के साथ। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। ये देखिए रेनडियर्स, फॉक्सेस, ये सील्स हैं, ये व्हेल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए डाल दी हैं। ये मस्क ऑक्सन है, ये सब पोल के हैं, ठीक है ना, पोलर बर्ड्स इस टाइप की मिलती हैं। साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न है। एडेप्टेशंस ऑफ साइबेरियन क्रेन, देखिए इस तरह से ग्रुप में ये लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देख लेते हैं, ये इसकी क्या हैं क्लासिफिकेशंस हैं। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशंस अराउंड द इक्वेटर, द मिनिमम टेम्परेचर इज मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके कॉमन एनिमल्स हैं, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले एनिमल्स कॉमन कौन कौन से होते हैं, मंकीज हैं, एप्स हैं, गोरिल्लास, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड, स्नेक, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका हो गया अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, मैनी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडॉप्टेड टू लिव इन ट्रीज, दीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है ना, मंकीज या रेड आइज फ्रॉग, ये सब पेड़ों पर ही रहते हैं, बहुत कम नीचे आते हैं, तो इनको अर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। एडेप्टेशंस ऑफ रेड आइड फ्रॉग, एडेप्टेशंस ऑफ मंकीज, छोटे छोटे सब हेडिंग के रूप में भी मैंने इनको दे दिया है। ठीक है, एडेप्टेशंस ऑफ लॉइन टेल्ड बियर्ड एप, ये होते हैं, ठीक है ना, दाढ़ी वाले एप कहते हैं इनको, बियर्ड एप। एडेप्टेशंस ऑफ टाउकेन, इस टाइप का मिलता है, आजकल ये बिल्कुल गायब हो गया है पक्षी, बिल्कुल रेड जोन में आ गया है। और ये लास्ट आपका एडेप्टेशंस ऑफ कैट एंड लियोपार्ड्स। ठीक है, एडेप्टेशंस ऑफ लॉयंस एंड टाइगर्स, एलिफेंट, ठीक है, ये एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं या आपको लग रही है वीडियो बहुत अच्छी थी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। एक वर्कशीट भी आपको अभी दिखा देते हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं रिवीजन के रूप में, असाइनमेंट्स हैं वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस के।
22 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं शो हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब के उसमें जाकर के सेटिंग में और उसकी जो क्वालिटी है उसको 480p पर कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से दिखेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, व्हाट डू यू, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए आप लोग सीधे सीधे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लास 7 चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट। नेम द डिपार्टमेंट विच कलेक्ट द डाटा ऑफ वेदर रिपोर्ट, अब आराम से बता सकते हैं आप। कंपेयर द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, लिस्ट आउट ऑफ ए फ्यू अडेप्टेशंस। चलिए आप लोग अपने आप करिएगा इन क्वेश्चंस को। वाई डू मुंबई एंड दिल्ली एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट, आप बता सकते हैं। नेम्स ऑफ आयरबोरियल एनिमल्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए सारा उसमें स्लाइड्स में हमने बताया था इसके क्वेश्चंस के, है ना। राइट द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर टू लिव इन पोलर रीजन, ठीक है ना। राइट टू अडेप्टेशंस सीन इन द पेंगुइन टू सर्वाइव द सेवर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं इसी वीडियो के थ्रू। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमको भी आगे उत्साह बना रहता है, आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेके आई जाएँ आपके लिए। और आपको लगता है कि ये आप वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी लाभप्रद हैं, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हैं, तो आप उनको चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कराइए। इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार देते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।